हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। पोस्टपार्टम डिप्रेशन न्यू मॉम्स को होता है। टिपिकली ये बेबी की बर्थ के बाद स्टार्ट होता है और पहले साल में ये देखना बहुत ही कॉमन है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन को जितना मेडिकली कॉमन माना जाता है, उतना सोसाइटी पर्सपेक्टिव से कॉमन नहीं माना जाता। हमारी सोसाइटी को आज भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में नहीं पता है, जिसकी वजह से हम इसे टाइम पे रिकग्नाइज नहीं करते हैं, टाइम पे ट्रीट नहीं करते हैं और बड़ी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से होती हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे साइंस या सिम्टम्स जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो रहा है। अगर आप खुद एक मदर नहीं हैं तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी फ्रेंड, आपकी वाइफ, आपकी डॉटर इन लॉ, उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। And for the same information in English, you can visit our website www.momcomindia.info. Now let's get started. So guys, जो symptoms मैं आपको बताने लगी हूँ, जरूरी नहीं है आपको इनमें से सारे symptoms होंगे, आपको इनमें से कुछ symptoms भी हो सकते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन की एक रेंज होती है, कुछ लोगों को बहुत ही माइल्ड होता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा सिवियर होता है और कुछ लोगों को एक्सट्रीमली सिवियर पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होता है। अगर आप इनमें से कोई भी साइंस ऑब्जर्व करें तो जस्ट गो अहेड एंड टॉक टू योर गायनेकोलॉजिस्ट, वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे कि आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। सबसे पहला सिम्टम है क्राइंग। अगर आपको छोटी छोटी बातों पे रोना आता है, स्पेशली जब आप मदर को जाते हुए देखते हैं या अपने हस्बैंड को ऑफिस जाते हुए देखते हैं या बेबी के रोने से आपको रोना आ जाता है, बेसिकली किसी भी बात पे अब आप रो सकते हो, अकेले बैठे बैठे भी आपको आंसू आते रहते हैं, ये बहुत ही बड़ा साइन है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का। दूसरा है सैडनेस। नॉर्मली बेबी की बर्थ के बाद हम सैड नहीं होते, ऐसा बोला जाता है कि आपको तो बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी इतनी अच्छी, इतनी खुशी की जाती है। तो सडनली हमें ऐसा क्या हो जाता है कि हम बहुत ही सैड फील करते हैं, उदास फील करते हैं। छोटी छोटी बातों से हम उदास हो जाते हैं, अकेले बैठे हुए हम किसी सोच में चले जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा उदास फील करते हैं, ये भी एक साइन है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का। तीसरा साइन है बॉन्डिंग। आप अपने बच्चे के साथ बॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि उसके साथ कैसे कनेक्ट करना है, आप बॉन्डेड नहीं फील करते, आपको ऐसे लगता है आपका बच्चा आपको प्यार नहीं करता है, आपको ऐसे लगता है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील नहीं कर पा रहे, तो ये भी बहुत बड़ा साइन है। अगला साइन है नींद ना आना। आपको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, आपको ऐसे फील हो रहा है आपको इंसोम्निया हो गया है। जब आपका बेबी भी आराम से सो रहा है तब भी आप नहीं सो पा रहे हो, आपको रेस्टलेसनेस हो रही है, आपको ऐसे लग रहा है कि बस मैं उठे रहूं, तो वो भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आप ये डिप्रेशन से निकल रहे हैं। नेक्स्ट साइन है मूड स्विंग्स। छोटी छोटी बात पे इरिटेबिलिटी हो जाना, रिएक्ट कर देना, स्नैप कर देना, पार्टनर के साथ इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होना जो पहले नहीं होती थी, बच्चे से रिलेटेड किसी भी चीज़ पे बस आपका एक रिएक्शन आ जाना, बहुत मूड स्विंग्स होना, अभी हंस रहे हो, अभी गुस्सा हो गए हो, ये भी अगेन एक साइन है। और इसी से रिलेटेड साइन है नॉन सोशल होना। आपके बेबी के होने के बाद बहुत लोग आपसे मिलने आना चाहते हैं, बेबी से मिलने आना चाहते हैं, बहुत अच्छा पीरियड है, आप पार्क में बेबी को लेके जाते हो, वहाँ सोशल इंटरेक्शन का टाइम मिलता है, बट आप वो सोशल इंटरेक्शन नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि कोई आपसे बात करे, आप नहीं चाहते कि कोई आपके घर आए, आपके बेबी को देखे, आप किसी से कुछ डिस्कस नहीं करना चाहते, आप फ़ोन पे बात नहीं करना चाहते, आप टोटली नॉन सोशल हो गए हो, आप अकेले रहने में खुश हो, आपका मन नहीं करता है किसी से भी बात करने का, तो ये भी बहुत बड़ा साइन है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। सो पहले हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ पसंद होती हैं, हम प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई रीडिंग करता है, कोई नेटफ्लिक्स देखता है, कोई फ़ोन पे रील्स देखना प्रेफर करता है, कोई कुकिंग प्रेफर करता है, कोई एक्सरसाइज स्मॉल वर्कआउट्स प्रेफर करता है, बेसिकली हर किसी की कोई ना कोई इंटरेस्ट वाली एक्टिविटी होती है जो उनको डी-स्ट्रेस करती है। बट आपके बेबी होने के बाद अब ये सारी एक्टिविटीज़ में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप बस कुछ नहीं करना चाहते हो, जो एक्टिविटी आपको पहले अच्छी लगती थी अब सडनली आपका मन ही उठ गया है उस एक्टिविटी से, तो ये भी एक साइन है कि आप इस डिप्रेशन से निकल रहे हो। टिपिकली बेबी होने के बाद जब बेबी सो रहा होता है तो एक मदर को थोड़ा सा टाइम मिलता है कि वो थोड़ा रिलैक्स कर सके, थोड़ा सा डी-स्ट्रेस कर सके, स्पेशली अगर आपके पास अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। तो काफ़ी मॉम्स मैंने देखा है वो चुपचाप नेटफ्लिक्स लगा लेते हैं और थोड़ा सा देखते हैं
ताकि यू नो एक ब्रेक मिले, वो बेबी के अलावा भी किसी चीज के बारे में सोचे और उनका माइंड डाइवर्ट हो, पर आपका ये सब करने का मन नहीं करता है। इसके बाद जो साइन है वो है एंजाइटी और पैनिक अटैक्स। छोटी छोटी चीजों पर आपको एंजाइटी हो जाती है, आप एकदम स्ट्रेसफुल हो जाते हो, आपका रिएक्ट करने का मन करता है, आपके हाथ पैर कांपते हैं, आपको बहुत ज्यादा स्वेट आता है, ऐसे लगता है आपको कोई पैनिक अटैक ही आ जाएगा। तो अगेन दिस इज अ साइन दैट यू शुड नो। एंड द नेक्स्ट वन विच इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और ये तो बहुत ही बड़ा साइन है, वो है थॉट्स ऑफ सुइसाइड और सेल्फ हार्म। कई विमेन को ये थॉट्स आते हैं जिनको एक्सट्रीम पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, आपको ऐसे सपने आते हैं या ऐसे बैठे बैठे थॉट आते हैं कि आप अपने आप को कुछ कर लो, या फिर आपको ऐसा थॉट आता है कि आप बेबी को कुछ कर दो। यू नो कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि मदर्स ने बेबी को ही हार्म कर दिया और फिर बाद में एनालिसिस में पता चला कि दे वर गोइंग थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो इस तरीके के थॉट्स मतलब आपको सिवियर पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो रहा है। और लास्ट मैं बोलूंगी शेमिंग। सोसाइटी तो एक न्यू मॉम को शेम करती ही रहती है, बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, आप ठीक से फीड नहीं करा रहे, अरे बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं दे रहे हो, फॉर्मूला दे रहे हो, आपका बच्चा खाता नहीं है, आपका बच्चा खेलते नहीं है। बट आप भी अपने आप को शेम करना स्टार्ट कर रहे हो, आपको भी ऐसे लगता है कि यू आर फेलिंग एज अ मदर, आप एकदम खराब मदर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बेबी को पकड़ नहीं सकते, बेबी आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, आपने खुद ही को सेल्फ शेम करना स्टार्ट कर दिया है। सो दैट इज अनदर साइन कि आपको डिप्रेशन हो रहा है। सो गाइज ये है वो कॉमन साइंस जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन के केस में देखे जाते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी हो रहा है तो मैं सबसे पहले बोलूंगी कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को रीच आउट कीजिए और उन्हें बताइए कि आपके साथ ऐसे हो रहा है। आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं, अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं, बट ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि दे विल अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज देयर इज अ वेरी हाई चांस कि जैसे आपको इसके बारे में नहीं पता था, उन्हें भी इसके बारे में ना पता हो, और वो शायद आपको ये बोल के रिलैक्स करा दें कि मे बी आप थक गए हो, स्ट्रेस आउट हो, या यू नो रात को सो नहीं रहे हो जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है। बट गाइज इन सब के नीचे जो अंडरलाइंग कंडीशन होती है वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो ट्रीटेबल है अगर हम उसे सही टाइम पे रिकग्नाइज करें, एक्सेप्ट करें और ट्रीट करें। तो अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्यों है, और फिर हम ये भी बात करेंगे कि हम इसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें जरूर फॉलो कीजिए, और हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए। यू विल जस्ट लव द कॉन्टेंट आउट देयर। थैंक यू, बाय बाय।